वहीं मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का पंजाब का दौरा है। जालंधर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। शाम 5 बजे जालंधर पहुंचेंगे सीएम मोहन यादव। सीएम मोहन यादव जनसभा को संबोधित भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव शाम 5 बजे देवघर से जालंधर पहुंचेंगे। शाम 6 बजे जालंधर के होटल रिटिसन पत्रकार वार्ता करेंगे, जिसके बाद रात 8 बजे जालंधर लोकसभा की जालंधर नॉर्थ विधानसभा के किला मोहल्ला में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। अंतिम चरण के चुनाव में सभी दिग्गज अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रही हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रही हैं। पंजाब का दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पंजाब में उनके तमाम कार्यक्रम तय किए गए हैं। ऐसे में जनसभाओं को लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। शाम 5 बजे जालंधर पहुंचेंगे सीएम मोहन यादव, जहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। जनसभा के दौरान सुरक्षा का खासा ख्याल रखा गया है। सुरक्षा को लेकर हर एक इंतजाम किया गया है, यानी कि यह दौरा काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अंतिम चरण का चुनाव है। अंतिम चरण के चुनाव को लेकर बीजेपी के साथ साथ विपक्ष भी पूरी ताकत झोंकता हुआ नजर आ रहा है। मुकाबला बेहद दिलचस्प रहने वाला है। आखिरी चरण का चुनाव है और 4 जून को नतीजे सामने आ जाएंगे। ऐसे में देखना होगा अंतिम चरण का जो चुनाव है कितना दिलचस्प होगा। हालांकि सभी दिग्गज चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी पंजाब के दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ गौरव शर्मा भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, मुख्यमंत्री मोहन यादव की बात कर ली जाए तो ना केवल पंजाब का दौरा, इससे पहले कई राज्यों का दौरा करते हुए नजर आए हैं, लेकिन पंजाब दौरे की बात की जाए तो इस दौरान उनके कौन कौन से कार्यक्रम तय किए गए हैं और ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है और उनके प्रचार प्रसार का कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा, पूरी जानकारी विस्तार से। देखिए, मध्य प्रदेश में शुरुआती चार चरणों में चुनाव संपन्न होने के बाद से ही मध्य प्रदेश के तमाम नेताओं का जिस तरीके से दौरे कराए जा रहे हैं, अन्य राज्यों में चुनावी सभाएं कराई जा रही हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इसी चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। एक दिन भी उन्होंने जो है आराम नहीं किया है। जिस तरीके से पार्टी ने उनकी ड्यूटी लगाई, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना, तमाम राज्यों में जाके उन्होंने दिल्ली में कई रैलियां की, जनसभाएं की, बिहार में कई रैलियां की, उत्तर प्रदेश में रोड शो किए और आज फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भोपाल से अभी रवाना हो गए। पहले सागर जाएंगे, वहां पर मध्य प्रदेश में एक जो घटनाक्रम हुआ है उस पीड़ित परिवार से मिलेंगे और सीधे जबलपुर और जबलपुर से वो झारखंड रवाना हो जाएंगे। झारखंड में भी उनकी आज चुनावी रैली है और झारखंड से वो सीधे शाम को पंजाब पहुंचेंगे। पंजाब में चुनावी शो होगा, चुनावी सभा होगी, रोड शो होगा और जनसभा के बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। तो निश्चित तौर पर बीजेपी जो है एक अपने स्टार प्रचारकों की ड्यूटी लगाई है और उस ड्यूटी के हिसाब से ये तय किया है कि किस विधानसभा लोकसभा क्षेत्र के किस जिले में, किस विधानसभा क्षेत्र में, किस गांव में किस नेता की सभा कराई जाए, जिससे बीजेपी का वोट बैंक बढ़े, वोट प्रतिशत बढ़े। जिस तरीके से बीजेपी ने इस बार चुनावी तैयारियां की हैं, निश्चित तौर पर विपक्ष एक तरफ ये कह रहा है कि इस बार बीजेपी और एनडीए सरकार नहीं बना पाएगी, इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी, तो वहीं सत्ता पक्ष जो है वो पूरे दावे कर रहा है कि 370 तो अकेली बीजेपी लेकर आएगी, अगर एनडीए की बात करें तो वो 400 पार करेगा। तो ये दावे और वादे हैं, लेकिन इन दावों और वादों के पीछे की जो हकीकत है वो ये चुनावी सभाएं हैं, रोड शो है, मेहनत है, इस पर सभी राजनीतिक बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, जनता से बड़े बड़े वादे कर रहे हैं और अब 4 जून के नतीजे तय करेंगे। देखिए, अब आखिरी चरण का चुनाव होना है, आखिरी चरण के चुनाव का शोर भी कल शाम तक थम जाएगा, उसके बाद 1 जून को मतदान होगा और उनको नतीजे आ जाएंगे। तो निश्चित तौर पर दिलों की धड़कनें बढ़ गई हैं सबकी, सबकी नजर है कि 4 जून कब आएगा और देश की जनता ने किस पार्टी पर, किस नेता पर अपना भरोसा जताया है, 4 जून के नतीजे तय करेंगे। बिल्कुल, 4 जून के नतीजे तय करेंगे। साथ ही ये भी पता लगेगा जिस तरीके से सभी दिग्गज प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं, ये कितना सफल साबित होता है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौरव।